नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। यहां सरीला क्षेत्र के ममना पावर हाउस में पानी भर जाने के कारण अंधेरा छा गया। 33 केवी के पावर हाउस में पास बने तालाब का पानी भर जाने से निरंतर 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते लगभग 70 गाँवों में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अधिशासकीय अभियंता विमल कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण बिजली आपूर्ति ठप है। जब SSO रतन सिंह यादव से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जब तक बारिश होती रहेगी तब तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत अभियंता विमल कुमार का कहना है कि हम इसमें से जल निकासी और पावर हाउस की मरम्मत तब तक नहीं करवा सकते जब तक ऊपर से बजट पेश नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि जल की निकासी की सुविधा कैसे दुरुस्त की जाएगी, जिससे 70 गांवों के लोगों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिल सके। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अच्छा सर, तो यहाँ ये 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप है, क्या है कारण? भैया, इसका कारण ये है कि यहाँ जब भी पानी बरसता है तो यहाँ पावर हाउस में चारों तरफ पानी भर जाता है, जिससे कि यहाँ हमारे पीछे पानी भर जाता है जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल पड़ी हुई है। इसके कारण से बिजली बात यहाँ से हो जाती, पावर बिजली नहीं दे सकते किसी को, मशीनों का खतरा, फटने का खतरा है यहाँ पर। तो लगभग इसमें कितने गांव आते हैं जिस पर बिजली आपूर्ति? करीब भाई साहब, इसमें 50-60 गांव समथिंग आते हैं। अभी लगभग कितने दिन से बिजली नहीं गांव में छोड़ी गई है? अब छोड़ी गई, सरीला से आती है 2-3 घंटे मिलती है बिजली, 4 घंटे किसी 3 घंटे बस, यहाँ से बिजली बंद 3 दिन से। तो इस पर निर्माण या जल निकासी का कोई प्रबंध हो सका अभी तक? प्रबंध है, नाला कटा हुआ है, जिससे पानी निकलता है, जितना निकल जाता है 4-5 दिन में निकल पाएगा पूरा पानी यहाँ का। आपका कहने का मतलब 4-5 दिन में पानी निकल पाएगा। बिजली सुचारू रूप से लगभग किस दिन चालू हो जाएगी? अब देखो, बारिश नहीं होगी तो आज शाम चालू हो जाएगी।